सुशांत के निधन पर सिद्धार्थ ने जताया दुख, नेपोटिज्म पर सिद्धार्थ ने कही बड़ी बात, प्रोफेशनल राइवलरी पर सिद्धार्थ का शॉकिंग बयान, सुशांत सिंह राजपूत के निधन ने सभी को सदमे में डाल दिया है, सुशांत ने सुइसाइड जैसे कदम क्यों उठाया, ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला ने भी एक न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू देते वक्त सुशांत के साथ अपनी यादों के बारे में बताया और सुशांत के डिप्रेशन के बारे में भी सिद्धार्थ ने कही बड़ी बात, हम इतने अच्छे दोस्त नहीं थे कि रोज फोन पर बातें करना, चैट करना, पर हाँ हम मिले हैं कई बार, हमने पार्टी भी की थी साथ में, जब जब हमारी मुलाकात हुई हम बहुत अच्छे से मिले। मेरे लिए पूरी दुनिया की तरह ये समझ पाना कि सुशांत अब नहीं रहे काफी मुश्किल था। सुशांत जैसे इंसान जिसने इतने कम वक्त में इतना कुछ खुद के लिए अचीव कर लिया था, जो इतने यंग थे और उनका ऐसा स्टेप उठाना बहुत शॉकिंग था। अब उनका इस स्टेप को उठाने के पीछे क्या रीजंस थे वो मैं नहीं जानता, पर ये बहुत डिसअपॉइंटिंग बात है कि एक लाइफ खत्म हो गई बस ऐसे ही। सुशांत इतना कुछ और अचीव कर सकते थे। मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है सबके लिए, हमारा कोई अपना होना चाहिए जिसे हम अपने दिल की बात कर सके। सुशांत जो ऑलरेडी एक दूसरे स्टेट से मुंबई आए, यहाँ टेलीविजन में वो 12 से 14 घंटे काम करते थे और उसके बाद घर जाकर सो जाना, फिर टाइम उतना रहता ही नहीं, सुबह उठो फिर वही रूटीन फॉलो करो, अच्छे और गहरे दोस्त बनाने का टाइम ही नहीं मिलता जिससे हम अपने दिल की बात कर सके। ऑफ कोर्स फैमिली भी होती है, बट फैमिली से इतनी खुलकर बात नहीं कर सकते, यहाँ से शुरुआत होती है अपने अंदर सब बातों को दबा के रखने की। आसपास लोग हमारे हजार होते हैं पर हमारे लिए कोई भी नहीं होता। प्रोफेशनल लाइफ में राइवलरी तो हमेशा रहती है, हर किसी को हमारी जगह चाहिए होती है, सबको तुम्हें नीचे गिराना होता है, सबको तुमसे ऊपर उठना होता है, ऐसी चीजें होती है पर वक्त के साथ खत्म हो जाती है। हमें बस खुद की रियलिटी का पता होना चाहिए कि हम खुद क्या है, बाकी और कुछ मैटर नहीं करता। आगे जब सिद्धार्थ से नेपोटिज्म के बारे में पूछा गया तो सिद्धार्थ ने कहा, ये हमें समझना पड़ेगा कि बॉलीवुड कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, अगर कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर पैसा लगा रहा है तो वो अपने हिसाब से बेस्ट एक्टर को कास्ट कर सकते हैं, अब फिर वो चाहे उनके रिश्तेदार हो या उनके पसंद का कोई भी एक्टर हो, उनका पैसा उनका डिसीशन, गवर्नमेंट का पैसा नहीं है जो सब में डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी हो। नेपोटिज्म हर जगह है, हर फील्ड में, गवर्नमेंट जॉब में भी रिजर्वेशंस होते हैं, सो इट्स ऑल कूल। सुशांत टेलीविजन में शाहरुख खान के बाद वो दूसरे ऐसे स्टार थे जो टीवी में सक्सेसफुल तो थे ही पर बॉलीवुड में और ज्यादा सक्सेसफुल हो गए थे। पर अफसोस, सुशांत का ये फिल्मी सफर बहुत जल्दी खत्म हो गया। चली मसाला की टीम की तरफ से हम सुशांत की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं।